हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 3-2-1 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेक्चर 16 जेली। इन दिस लेक्चर आई विल कवर व्हाट इज जेली, एफपीओ स्पेसिफिकेशंस फॉर जेली, थ्योरीज ऑफ जेली फॉर्मेशन, देन जेली मेकिंग प्रोसेस लाइक रेसिपी प्रोसीजर, देन जजिंग एंड पॉइंट and problems in jelly production. Let's start this topic. Jelly is prepared by boiling the fruit with or without water, adding sugar to a fine sieved extract and allowing it to set into a clear gel. Jelly कैसे बनाई जाती है कि jelly को इस प्रकार prepare किया जाता है कि जो उसका फलों का एक बिल्कुल साफ और छना हुआ जो सत रहता है, जहाँ रस रहता है, उसको पानी के साथ या पानी के बिना, जिस उसमें चीनी मिलाकर उसको उबाला जाता है और उसको एक क्लियर जेल के रूप में जमाया जाता है। ठीक है, उबाल कर उसको एक क्लियर जेल के अंदर जमाया जाता है, उसे जेली कहा जाता है। द जेली शुड बी ट्रांसपेरेंट, वेल सेट बट नॉट टू हार्ड। जो जेली होती है, जो जेली की खासियत है कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी जमी हुई होनी चाहिए, बट नॉट टू हार्ड, और बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए, एंड हैव द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ फ्रूट, और उसमें जो फलों का, जिस भी फल की बनी हुई है, उसका ओरिजिनल स्वाद उसमें होना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिवली कलर्ड एंड विद ए क्लियर सरफेस दैट विल होल्ड इट्स शेप। इसका जो कलर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, जेली का मतलब चमकदार होना चाहिए, और जो इसकी सरफेस रहती हैं, जो भी कटे हुए भाग एंड रहते हैं, ठीक है, भुजाएं रहती हैं, जिस साइड से भी वो दिखाई देती है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, और जो अपनी शेप बनाए रखें, ऐसे नहीं कि ढल जाए, ठीक है, जो अपनी शेप बनाए रखें। पेक्टिन इज द मोस्ट एसेंशियल इंटीग्रेडियंट इन मेकिंग जेली। पेक्टिन जो है एक मुख्य इसका कह लो कि एक पार्ट होता है जो इसके अंदर मिलाया जाता है, ठीक है, एक अंग होता है, जहाँ कह लो सामान है जो इसमें मिलाना जरूरी होता है। पेक्टिन फलों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वैसे अलग से मार्केट में भी मिलता है, अगर किसी फल के अंदर कम है तो उसको मिलाया जा सकता है, पाउडर फॉर्म में आता है। पेक्टिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फ्रूट्स। जो पेक्टिन है वो कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं फलों के अंदर, उनके अंदर पाया जाता है। इसको एक्सट्रैक्ट करने की विधि होती है कि इसको फलों को पहले उबाल लेते हैं, कच्चे जो फल रहते हैं, बहुत ज़्यादा राइप फल नहीं होते, कह लो कि अधपके से फल होते हैं, उनमें पेक्टिन ज़्यादा होता है, उनको उबाला जाता है, ठीक है, फिर उनसे उबाले हुए एक्सट्रैक्ट, जो कह लो कि उसको जो उबला हुआ पानी है उसको छान लिया जाता है, ठीक है, फिर उसको यूज किया जाता है एक्सट्रैक्ट के रूप में आगे जेली बनाने के लिए। एज पर FPO स्पेसिफिकेशंस, गुड जेली हैज़ 65% TSS, 0.5 टू 0.75% एसिड एंड 3.1 to 3.3 pH। जो FPO स्पेसिफिकेशन है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, गाइडलाइन है, निर्देश हैं, उनके हिसाब से जेली जो अच्छी जेली होती है उसका जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड है उसमें 65% होने चाहिए, और उसमें जो एसिड है वो 0.5 से 0.75, ठीक है, प्रतिशत होना चाहिए, उसमें एसिड होना चाहिए, और उसका जो पीएच है जेली का, ठीक है, पीएच कई बार पूछा जाता है कि जेली का पीएच कितना होता है, तो याद रखना 3.1 से 3.3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, जो भी एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, जिसको जेली बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसका पीएच 3.1 से 3.3 होना चाहिए। फिर फ्रूट सुटेबल फॉर जेली आर गुआवा, श्योर एप्पल, प्लम, करोंदा, वुड एप्पल, लोकाट, पपाया एक्सेट्रा। सम फ्रूट्स हैव लो पैक्टिन कंटेंट, सो दे आर आल्सो यूज्ड फॉर जेली आफ्टर एडिंग पैक्टिन पाउडर, एप्रिकोट, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी एक्सेट्रा। जो जेली के लिए सूटेबल फ्रूट हैं, जिनसे जेली बनाई जाती है, ज़्यादातर गुआवा है, अमरूद, ठीक है, या खट्टा सेब रहता है जो, या फिर प्लम है, ठीक है,
सॉर एप्पल की जगह आप क्रैब एप्पल भी लिख सकते हो, ठीक है, क्रैब एप्पल भी खट्टा होता है, या फिर आलू बुखारा है, या करौंदा है, या फिर कैंथा वुड एप्पल, ठीक है, लाइमोनिया फरोनिया। इसके अलावा लोकाट है, पपीता है, ये तो है जिनमें पैक्टिन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फल होते हैं जिनमें पैक्टिन बहुत कम मात्रा में होता है, तो उनमें पैक्टिन पाउडर मिला के उनका भी उनसे भी जेली बनाई जा सकती है, जैसे खुमानी है, प्रिकोट है, पाइन एप्पल, ठीक है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, रस बेरी है, इनसे भी आप पैक्टिन पाउडर ऐड करके जेली बना सकते हो। फिर फ्रूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर पैक्टिन एंड एसिड। जो फ्रूट्स होते हैं उनको चार भागों में, या कह लो कि चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, उनमें जो पैक्टिन और एसिड प्रेजेंट होता है उनके हिसाब से। पहला है रिच इन पैक्टिन एंड एसिड, जो पैक्टिन और एसिड दोनों के, जिनके अंदर ऐसे फल जिनके अंदर दोनों ही भरपूर मात्रा में होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे क्रैब एप्पल है, श्योर एप्पल भी कह सकते हो, श्योर गुआवा है, खट्टा जो अमरूद रहता है थोड़ा सा कच्चा सा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज है, इसके अलावा श्योर प्लम है, ठीक है, जामुन है, इनके अंदर ये पैक्टिन भी बहुत होता है और एसिड भी बहुत होता है। रिच इन पैक्टिन बट लो इन एसिड, जिनमें पैक्टिन ज़्यादा होता है, दूसरा टाइप है जिसमें पैक्टिन ज़्यादा है और जो अमल है वो कम होते हैं, जैसे एप्पल, ठीक है, अनराइप बनाना जो कच्चा केला रहता है, अनराइप फिग, कच्चे फिग के अंदर, अंजीर के अंदर, श्योर चेरी, चेरी के अंदर, गवावा, ऑरेंज रिंड, जो ऑरेंज का छिलका रहता है उसमें भी एसिड कम होता है और पैक्टिन ज़्यादा होता है। फिर है लो इन पैक्टिन एंड रिच इन एसिड, जिनमें पैक्टिन कम होता है और एसिड ज़्यादा होता है, ऐसे फल जैसे श्योर एप्रिकॉट्स, ठीक है, खट्टे जो एप्रिकॉट्स, खुमानी, सॉरी एप्रिकॉट्स रहते हैं, खुबानी रहती है, ठीक है। उसके बाद स्वीट चेरीज, मीठी चेरी होती है, पाइन एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा श्योर पीच है, आड़ू है, ठीक है, खट्टे आड़ू, उनमें एसिड ज़्यादा होता है और पैक्टिन कम होता है। फिर है लो इन पैक्टिन एंड एसिड, जो पैक्टिन और एसिड दोनों जिनमें कम पाया जाता है, एप्रिकोट है, पीच है, पोमग्रेनेट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी एंड अदर जो भी पके हुए फल या राइप फ्रूट्स हैं, उनमें दोनों चीज़ें ही कम पाई जाती हैं, जो भी ज़्यादा पका हुआ फल रहता है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ जेली फॉर्मेशन, थ्योरीज जो सिद्धांत हैं जेली बनने के, वैसे तो ज़्यादा मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट तो है, पर कभी आज तक एक आध बड़ी पूछा गया हो कभी डेफिनेशन के अंदर, उस टाइम बच्चे भी ये सोच लेते हैं पता नहीं क्या चीज़ पूछी हुई है, जैसे अभी अपने पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जेली के सिद्धांत होते हैं कि भाई जेली क्यों बनती है, अगर अपने पैक्टिन से कैसे जेली बनती है, पैक्टिन के अंदर क्या होता है जिससे वो जेली बन जाती है। तो द फॉर्मेशन ऑफ जेली इज ड्यू टू द प्रिसिपिटेशन ऑफ पैक्टिन रादर देन इट्स एक्सपांशन। जो जेली का फॉर्मेशन होता है, जब जेली जो बनती है वो पैक्टिन के प्रिसिपिटेशन के कारण होती है, मतलब एक तरीके का अवक्षेप देती है जेली, ठीक है, पैक्टिन अवक्षेप देता है, कह लो कि एक तरीके के उसमें टुकड़े से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ कह लो, ठीक है, ना कि उसका जो फूलने के कारण जो पैक्टिन है वो फूलता है, जहाँ कह लो कि वो फैलता है उसके कारण, फैलने के कारण जेली नहीं बनती, उसके प्रेसिपिटेशन के कारण बनती है, अवक्षेपण के कारण, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ पैक्टिन अकर्स ओनली व्हेन पैक्टिन एसिड शुगर एंड वाटर आर इन ए सर्टेन बैलेंस। प्रेसिपिटेशन कब होता है पैक्टिन का, जब पैक्टिन यानी कि जो भी उसमें पैक्टिन कोशिकाओं का रस पाया जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा उसमें एसिड अमल और शुगर और पानी एक संतुलित मात्रा में डाला जाता है, तब उसमें अवक्षेपण होता है। द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अफेक्टेड बाय द फ्लोइंग फैक्टर्स, जो अवक्षेपण की दर रहती है, ठीक है, तो वो कुछ कारणों से प्रभावित होती है, जैसे पहला तो है कंसंट्रेशन ऑफ पैक्टिन इन सॉल्यूशन, मतलब कितनी वो सांद्रता के अंदर पैक्टिन है उस सॉल्यूशन के अंदर, जसत के अंदर कह सकते हो, जो भी आप जिससे भी आप जेली बना रहे हो उसमें कितनी कंसंट्रेशन में वो पैक्टिन है। दूसरा है पैक्टिन फॉर्मेशन, ठीक है, पैक्टिन का फॉर्मेशन कैसा है, मतलब किससे बना हुआ है। फिर है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस ऑफ द पैक्टिन सॉल्यूशन, और पैक्टिन सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, पीएच है, जो मतलब कहने का मतलब, वो
वो कितना है उस पैक्टिन सॉल्यूशन का, मतलब उस फलों के रस का पीएच क्या है। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन, फिर है जो उसकी शुगर की जो कितनी सांद्रता आप यूज कर रहे हो पैक्टिन बनाने, सॉरी जेली बनाने के लिए उस पैक्टिन के अंदर, ठीक है, कितनी चीनी ऐड कर रहे हो। फिर है मिक्सचर, सॉरी मिक्सचर टेम्परेचर, सॉरी उसका टेम्परेचर कितने पे उसको मिक्स कर रहे हो आप, उसको बॉयल कितने टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है। फिर है दीज आर सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ जेली, मतलब दे आर बहुत सी इसकी सिद्धांत है जो जेली को एक्सप्लेन करती हैं कि जेली कैसे बनती हैं। जैसे पहली है फिब्रिल थ्योरीज, ठीक है, फिब्रिल थ्योरी, जो फिब्रिल का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि व्हेन शुगर इज एडेड टू द पैक्टिन सॉल्यूशन इट डिस्टेबिलाइज द पैक्टिन वाटर इक्विलिब्रियम एंड द पैक्टिन ग्रुप फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ फिब्रिल्स थ्रू द जेली। जब शुगर को पैक्टिन सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है तब ये एक अस्थिर, पानी और जो पैक्टिन का बैलेंस होता है उसको अस्थिर कर देता है। मतलब जब चीनी में ऐड की उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसका जो दोनों का बैलेंस रहता है पानी का और पैक्टिन का, उसको चीनी अस्थिर कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो पैक्टिन होता है, पैक्टिन ग्रुप होता है, वो एक जाल बनाता है, तंतुओं का एक जाल बना लेता है, फैब्रिल्स का जाल बना लेता है जेली के लिए, ठीक है। दिस नेटवर्क ऑफ फैब्रिल्स होल्ड द शुगर सॉल्यूशन इन द इंटर फैब्रिल स्पेस, मतलब जो ये तंतु हैं, तंतुओं का जो खाली जगह रहती है, स्पेस रहता है, उसमें वो शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसको वो होल्ड कर लेता है, उसको वो धारण कर लेता है, ठीक है। जब ये नेटवर्क बना, ये मान लो कि तंतुओं का एक जाल सा बन गया, ठीक है, जैसे ही उसमें चीनी मिलाई और उसको पानी और जो उसका अस्थिर कर दिया, उसने बैलेंस बिगाड़ दिया, जिसके कारण जो पैक्टिन है वो तंतु बनाना स्टार्ट कर देता है, उस जाल सा बनाना स्टार्ट कर देता है, और उस जाल के अंदर चीनी जो होती है वो जो इंटरफेबुलर फेब्रिल स्पेस रहता है, मतलब एक कह लो कि उन तंतुओं के बीच की जो खाली जगह है वहां पे चीनी अंदर चली जाती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द जेली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फेब्रिल, जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है उस जेली की, वो डिपेंड करती है कि उसकी जो संरचना है, ठीक है, उस तंतुओं की, जहाँ देयर कंसिस्टेंसी, ठीक है, उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर एंड देयर स्टिफनेस, उसकी जो कठोरता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड थ्योरी है स्पेंसर्स थ्योरी, पैक्टिन पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, जो पैक्टिन के पार्ट जा कह लो कि पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो ऋणात्मक उनमें चार्ज रहता है, ठीक है, ऋणात्मक चार्ज होते हैं। ए पैक्टिन सॉल्यूशन इज मोस्ट स्टेबल इन द नेचुरल पीएच रेंज, जो पैक्टिन सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादातर स्थिर रहता है जब न्यूट्रल नेचुरल पीएच रहता है, पीएच ज़्यादा मतलब कह लो कि ना तो ज़्यादा हो ना कम हो पीएच, ठीक है, ना तो अम्लीय ना क्षारीय, तब वो ज़्यादा स्थिर रहता है। एंड इंक्रीज इन एसिडिटी और एल्कलिटी डिक्रीज इस स्टेबिलिटी, जैसे ही उसकी कह लो कि उसको एसिडिटी को बढ़ाया जाता है या फिर एल्कलिनिटी को बढ़ाया जाता है, मतलब पीएच ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है पैक्टिन की वो ख़त्म हो जाती है, जहाँ कह लो कि कम हो जाती है, ठीक है। इट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जेली शुगर एक्ट एज प्रेसिपिटेट पेटिंग एजेंट एंड प्रेजेंस ऑफ एसिड हेल्प इन दिस, जो जब जेली बनती है, ठीक है, उस टाइम क्या करता है शुगर एक जैसे ही उसको डालते हैं वो प्रेसिपिटेटिंग एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि अवक्षेपण देने वाले एजेंट की तरह काम करता है, जो कि जिसमें कि एसिड उसकी सहायता करता है, जब उसको शुगर के साथ जेली जो आपका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जेल उस एक्सट्रैक्ट का पीएच बैलेंस है तब तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल स्थिर है, जैसे ही उसके पीएच को या तो बढ़ाया जाए या कम किया जाए और उसमें अस्थिरता आ जाती है, और उसमें चीनी मिला दी जाए, ठीक है, चीनी मिला देते हैं जिससे क्या होता है कि उसमें अवक्षेपण आने स्टार्ट हो जाते हैं और जो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है इसकी सहायता करता है अवक्षेप देने के लिए, ठीक है, वैसे जेली बनती अवक्षेप के कारण ही है, ठीक है। थर्ड थ्योरी है ओलेसेंस थ्योरी,
ठीक है. इफ पैक्टिन इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक कोलाइड देन द फ्लोविंग कैन बी अज्यूम्ड. अगर ये माना जाए कि जो पैक्टिन है वो एक ऋणात्मक आवेशित हाइड्रोफिलिक कोलाइड है तो कुछ इस प्रकार से माना जा सकता है. शुगर एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच अपसेट्स द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड पैक्टिन. जो शुगर होता है या चीनी होती है वो एक सुखाने वाला एजेंट होता है, मतलब सुखाने का काम करती है. ठीक है, सुखाने जैसा होता है कि भाई जो जो भी चीज़ उसमें, मतलब वो जो मॉइस्चर होता है, किसी भी अपने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि मॉइस्चर को बाइंड कर देता है, जो भी नमी होती है उसको बाइंड कर देता है, अपर्याप्त बना देता है, मतलब वो मिलती नहीं, जिसके कारण जो पानी का और पैक्टिन का बैलेंस होता है उसको ये अपसेट कर देता है, ख़राब कर देता है या बिगाड़ देता है. ठीक है, पैक्टिन में जो पानी है उसके बैलेंस को ये बिगाड़ देता है. शुगर डज नॉट हाइड्रेट पैक्टिन मिसेल्स इमिडिएटली बट रिक्वायर्स टाइम टू बैलेंस. जो चीनी होती है वो डिहाइड्रेट करती है पैक्टिन को, ठीक है, पर वो एकदम से नहीं करती. पैक्टिन मिसेल्स जो होते हैं उनको एकदम से वो डिहाइड्रेट नहीं करती, उसे समय चाहिए होता है इस बैलेंस को बनाने के लिए, संतुलन को बनाने के लिए उसे समय की आवश्यकता होती है, समय लगता है. ठीक है, फिर इफ द नेगेटिवली चार्ज ऑन द पैक्टिन इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन द पैक्टिन प्रिसिपिटेट्स एंड एक्यूमुलेट्स एज ए फाइन नेटवर्क ऑफ द इनसॉल्युबल फाइबर्स प्रोवाइडेड ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट. अगर जो ये पैक्टिन के ऊपर जो ऋणात्मक आवेश है वो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उससे ये कम हो जाता है. जैसे ही सांद्रता बढ़ती है ये कम हो जाता है, इससे क्या होता है कि जो पैक्टिन हो वो अवक्षेपित हो जाता है. ठीक है, इससे पैक्टिन अवक्षेपित होता है और एक महीन नेटवर्क के रूप में, महीन नेटवर्क कह लो कि इनसॉल्युबल फाइबर्स का, अघुलनशील रेशों के एक महीन समूह के रूप में जमा हो जाता है. ठीक है, मतलब एक समूह बना लेता है, एक गुच्छा सा बन जाता है अघुलनशील रेशों का, अगर उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है तो. अगर उसमें चीनी है पर्याप्त मात्रा में तो वो अवक्षेपित हो जाता है और फाइन नेटवर्क बना लेता है. ठीक है, एज द सिस्टम रीचेज इक्विलिब्रियम द स्ट्रेंथ ऑफ द जेली इज मैक्सिमाइज. जैसे ही जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो संतुलन में आती है तो जेली की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है, मतलब अधिकतम जेली की स्ट्रेंथ हो जाती है, जितनी वो जम सकती है उतना जम जाती है. साल्ट्स एंड अदर कंपोनेंट्स दैट कॉज चेंजेस इन द फाइनल जेली स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम मे एक्ट बाय आइदर चेंजिंग द जेलिंग रेट और अफेक्टिंग द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द जेली और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. जो साल्ट या फिर दूसरे जो कंपोनेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं फाइनल जेली के अंदर, ठीक है, जेली की स्ट्रेंथ को वो चेंज करते हैं. ठीक है, जहाँ तो वो क्या करते हैं, जेलिंग की जो दर होती है, जहाँ जेली बनने की जो दर होती है उसको चेंज करते हैं, जहाँ जो फाइनल स्ट्रक्चर होती है जेली की, संरचना होती है लास्ट फाइनल की, ठीक है, फाइनल जो जेली बन गई उसकी जो संरचना होती है उसको चेंज करते हैं, या फिर दोनों काम करते हैं, वो जेली की दर को भी चेंज करते हैं और साथ में संरचना को भी चेंज करते हैं. ये था तीसरा सिद्धांत. फिर एक और है, फोर्थ सिद्धांत, हिंटन्स थ्योरी. हिंटन्स थ्योरी के हिसाब से क्या है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट पैक्टिन्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन. इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कि जो पैक्टिन है वो एक जटिल मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन का, ठीक है, मतलब परिवर्तनशील जो कंपोनेंट है उनका एक जटिल मिश्रण है. अकॉर्डिंग टू दिस द जेलेशन ऑफ पैक्टिन इज टाइप ऑफ कोगुलेशन इन विच द कोगुलेटेड पार्टिकल्स फॉर्म ए कंटिन्यूस नेटवर्क. इसके अनुसार क्या होता है कि जो जेलेटेशन है, मतलब जेली बनती है, वो एक तरीके का जमाव होता है, कोगुलेशन होता है, जिसमें जो कोगुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो जमे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक सतत नेटवर्क या एक सतत समूह बनाते हैं, जमकर एक समूह बना लेते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक पैक्टिन डिसोसिएट इन सॉल्यूशन. और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो विलयन के अंदर विजोजित हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कार्बनिक जो अम्ल पाए जाते हैं, जैसे पैक्टिन है, वो विजोजित हो जाते हैं.
इसमें इट इज ओनली नॉन आयोनाइज्ड एंड नॉट आयोनाइज्ड पेक्टिन विच एंटर इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द जेली। जो जेली की फॉर्मेशन होती है, जेली बनती है, उसमें ओनली जो नॉन आयोनाइज्ड गैर आयनीकृत कह लो, जिसमें आयन नहीं पाए जाते, वो तो इस क्रिया में भाग लेता है, मतलब वो तो वियोजित होता है, पर जो जिसमें आयोनाइज्ड होता है वो इसमें क्रिया नहीं करता, वो भाग नहीं लेता, वियोजित नहीं होता। ठीक है, ये थी थ्योरीज। फिर जेली मेकिंग प्रोसेस, जेली की जो प्रोसेस है वो पहले इंटीग्रेडिएंट्स मतलब उसमें कौन कौन से जो अगर आपने जेली बना रहे हैं तो उसकी जो सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। तो पहला मेन है, ये जितने भी दिए हुए हैं, ये मान लो कि 1 किलो अगर अपने एक्सट्रैक्ट लेते हैं, छना हुआ एक्सट्रैक्ट लेते हैं, तो उसके हिसाब से ये सारी सामग्री है, मतलब इंटीग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अगर अपने गुवावा की जेली बना रहे हैं तो शुगर केजी के अंदर दी हुई है, सिट्रिक एसिड ग्राम के अंदर दिया हुआ है कि चाहिए होगा। जैसे गुवावा में मान लो 750 ग्राम या 0.75 केजी शुगर की आवश्यकता होती है, साथ में 3 ग्राम उसमें सिट्रिक एसिड की आवश्यकता, अगर आप गुवावा की जेली बना रहे हो, अमरूद की जेली बना रहे हो। फिर है करौंदा, करौंदा में 750 ग्राम चीनी, ठीक है, एसिड की आवश्यकता नहीं होती। जामुन है, जामुन में 750 ग्राम चीनी और 1 ग्राम एसिड की आवश्यकता होती है। शॉर एप्पल जो है, सेब, ठीक है, खट्टा सेब, उसमें लगभग 750 से 1 किलो चीनी और 2 ग्राम एसिड की आवश्यकता होती है। वुड एप्पल लेमोनिया फिरोनिया, इसमें 1 किलो यानी कि 1 किलो चीनी। फिर है प्लम, प्लम में 750 ग्राम चीनी और 2.5 ग्राम जो है एसिड की आवश्यकता होती है। गूसबेरी के अंदर 800 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है, एसिड नहीं चाहिए होता। लोकाट है, लोकाट में 800 ग्राम चीनी और 2 ग्राम एसिड। पपाया में 750 ग्राम चीनी और 3 ग्राम एसिड की आवश्यकता होती है अगर अपने इसका जेली बनाते हैं तो। फिर है फ्लो शीट फॉर जेली, फ्लो शीट मतलब कि उसको किस किस स्टेप कौन कौन से हैं उसके अंदर। पहला है फ्रूट्स, जैसे अपने फ्रॉम नॉट ओवर राइप, फल होने चाहिए, पके हुए होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, मतलब फ्रॉम होने चाहिए, कठोर होने चाहिए। फिर है वाशिंग, उसके बाद फलों को धोया जाता है। फिर कटिंग इनटू इन दिस स्लाइसेस, उसके बाद फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद बॉयलिंग विद वाटर, उसको बॉयल किया जाता है पानी के साथ फॉर 20 to 30 मिनट्स, लगभग 20 से 30 मिनट तक उन टुकड़ों को उबाला जाता है। एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड, और इसके बाद उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है, मतलब उसके बाद एक तो सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, 2 ग्राम पर kg ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट के हिसाब से उसमें डाला जाता है। इसके अलावा पैक्टिन टेस्ट किया जाता है उसका, फिर एडिशन ऑफ शुगर, ठीक है, पैक्टिन टेस्ट है। इसके बाद जैसे ही वो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा उसको छान लिया जाएगा, उसके बाद उसका पैक्टिन टेस्ट करते हैं, फिर उसमें शुगर ऐड किया जाता है, शुगर मिलाई जाती है। फिर बॉइलिंग एंड कंटिन्यू स्टेरिंग, उसको बाद में लगातार हिलाते हुए उबाला जाता है। फिर होता है जजिंग एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कि भाई पक गई या नहीं पकी जेली, उसके लिए एंड पॉइंट जज किया जाता है कि भाई उसकी, जैसे शीट टेस्ट है, ड्रॉप टेस्ट है और भी कई टेस्ट हैं, तो वो किए जाते हैं। फिर है रिमूवल ऑफ स्कम और फोम, उसके बाद जो उसके ऊपर एक झाग सी आ जाती है, ठीक है, फोम आ जाती है, उसको हटाने के लिए 1 teaspoon एडिबल ऑयल एडेड फॉर 45 kg शुगर, अगर अपने 45 किलो शुगर यूज कर रहे हैं उसमें 1 चम्मच एडिबल ऑयल मिला दो, जिससे झाग ऊपर आ जाएगी, स्कम ऊपर आ जाएगी, तो उसको हटा दो, नहीं तो आपका फोगी कह लो, एक तरीके का फोगी जेली बनेगी, पारदर्शी नहीं रहेगी। फिर है एडिंग कलर, अगर आपने उसमें अंदर कलर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने कलर ऐड करना है, ठीक है। फिलिंग हॉट इनटू स्टरलाइज बोतल, उसके बाद उसे गर्म गर्म को ही, जेली को ही बोतलों के अंदर या फिर जो जार रहते हैं उनके अंदर भर लेते हैं। फिर उसकी वैक्सिंग करते हैं, फिर कैपिंग की जाती है, कैप लगाया जाता है, फिर उसको स्टोरेज के अंदर रखा जाता है। जी थी एक फ्लो शीट, अब अपने एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट, जेली के लिए फ्रूट शुड बी सफिशियंटली राइप बट नॉट ओवर राइप एंड हैव ए गुड फ्लेवर, जो फल होते हैं होने चाहिए इसके लिए वो पर्याप्त रूप से पके हुए, बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं,
और अच्छे फ्लेवर वाले होने चाहिए। स्लाइटली अंडर राइप फ्रूट्स प्रोड्यूस मोर पेक्टिन देन ओवर राइप फ्रूट्स। जो हल्के कच्चे होते हैं फल, उनमें पेक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनमें पेक्टिन ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू अगर ओवर राइप फ्रूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए फल हैं, उनकी तुलना में हल्के से जो कच्चे रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है। एज द पैक्टिन प्रजेंट ड्यूरिंग राइपनिंग डिकम्पोज इन टू पैक्टिक एसिड विच डज नॉट फॉर्म जेली विथ एसिड एंड शुगर। अगर इसमें क्या होता है कि अगर अपने बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, जब पैक्टिन के दौरान जो पैक्टिन होता है, सॉरी राइपनिंग के दौरान जो पैक्टिन होता है वो अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पैक्टिक एसिड के रूप में, जो कि जेली बनाते समय जेली नहीं बनाता जब उसमें एसिड और शुगर मिलाया जाता है। मतलब पके हुए फलों में पैक्टिन डिजॉल्व हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है या चेंज हो जाता है, ये कह लो एक पैक्टिक एसिड के रूप में, ठीक है, वो जेली नहीं बनाता। फिर है पैक्टिन रिक्वायरमेंट। यूजुअली 0.5 to 1% पैक्टिन इज इन द एक्सट्रैक्ट इज इनफ टू मेक ए गुड जेली। एक जो आपका एक्सट्रैक्ट है जिसको आपने छान के अलग किया है उसमें 5 to 1% तक जो पैक्टिन है वो काफ़ी रहता है जेली बनाने के लिए। इफ़ द पैक्टिन कंटेंट इज़ हाई ए फर्म एंड हार्ड जेली इज फॉर्म एंड इफ इट इज़ लो द जेली मे फेल टू सॉलिडिफाई। अगर पैक्टिन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड है, मतलब इस जितनी 5 to 1% से भी ज़्यादा है, तो ये मान लो कि आपकी जेली बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी, सख्त बनेगी, और अगर कम है तो जेली कठोर जम ही नहीं पाएगी, सॉलिड नहीं हो पाएगी, सख्त नहीं हो पाएगी। पैक्टिन शुगर एसिड एंड वाटर आर द 4 असेंशियल कंपोनेंट्स फॉर ऑफ जेली एंड शुड बी प्रेजेंट इन अप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। पैक्टिन 1%, शुगर 60 to 65%, फ्रूट एसिड 1%, वाटर 33 to 38%। जो जेली है उसमें शुगर, पैक्टिन और एसिड, पानी, ये सारे के सारे ये मान लो कि एक असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके मुख्य घटक होते हैं, ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन के अंदर होने चाहिए, जो इस प्रकार है, जैसे कि पैक्टिन 1% के आसपास होना चाहिए, जो चीनी है 60 to 65%, और फ्रूट में एसिड जो है 1%, और पानी उसमें 33 to 38% पानी होना चाहिए जेली के अंदर अच्छी जेली बनाने के लिए। हाउएवर द एक्सट्रैक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ शुगर डिपेंड्स ऑन द पैक्टिन ग्रेड। जबकि जो इसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है, शुगर कितनी मिलानी है उसके अंदर, वो डिपेंड करता है कि पैक्टिन की ग्रेड क्या है, ठीक है। अब पैक्टिन ग्रेड क्या होती है, पैक्टिन ग्रेड, ग्रेड्स ऑफ पैक्टिन मीन्स द वेट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू सेट 1 gram ऑफ पैक्टिन अंडर सुटेबल conditions टू फॉर्म ए सेटिस्फैक्ट्री जेली। ग्रेड से मतलब है, पैक्टिन की ग्रेड से मतलब है कि जो शुगर का वजन है, ठीक है, 1 gram पैक्टिन को सेट करने के लिए शुगर का जो वजन चाहिए होता है, मतलब सेट करने के लिए एक सुटेबल कंडीशन के अंदर अच्छी जेली बनाने के लिए, उसे पैक्टिन ग्रेड कहा जाता है। एग्जाम्पल, 100 gram पैक्टिन मीन्स 100 gram ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड फॉर सेट ऑफ 1 gram पैक्टिन। मतलब 100 grade का मतलब है, पैक्टिन की 100 grade है, तो मतलब उसमें 100 gram चीनी की आवश्यकता होगी 1 gram पैक्टिन को सेट करने के लिए, जमाने के लिए, ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पैक्टिन कंटेंट, कि कैसे अपने पता कर सकते हैं कि पैक्टिन कितना है जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर, तो इसके लिए कुछ विधियां हैं। पहला है अल्कोहल टेस्ट, बहुत ही सिंपल है। दिस मेथड इन्वॉल्व द प्रेसिपिटेशन ऑफ पैक्टिन विद अल्कोहल, द आउटलाइन ऑफ विच इज गिवन बिलो। इस मेथड में क्या होता है कि जो पैक्टिन होता है वो अल्कोहल से अवक्षेपित हो जाता है, जिसकी आउटलाइन कुछ इस प्रकार से है। 1 teaspoon ऑफ फिल्टर्ड फ्रूट एक्सट्रैक्ट इज टेकन इन टू द बीकर एंड कूल्ड एंड 3 teaspoon ऑफ मिथाइलेटेड स्प्रिट आर जेंटली पॉर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर विच इज स्विल्डेड टू मिक्स एंड देन एंड लेफ्ट टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या करते हैं कि 1 teaspoon कह लो, 1 चम्मच जो भी आपका एक्सट्रैक्ट है जिसको आपने छान के
तैयार किया है उसको ले लेते हैं, एक बीकर के अंदर ले लिया जाता है, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद 3 चम्मच मिथाइलेटेड जो स्प्रिट होता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का एल्कोहल है, उसे किनारे के साथ बीकर के धीरे धीरे उसके अंदर डाला जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर से सीधा डाल दिया, किनारों के साथ डाला जाता है 3 चम्मच। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद कुछ मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं, पड़ा रहने देते हैं। इफ द एक्सट्रैक्ट इज रिच इन पैक्टिन, अगर एक्सट्रैक्ट पैक्टिन बहुत ज्यादा मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, ए सिंगल ट्रांसपेरेंट लंप और क्लॉट विल फॉर्म, एक ही सिंगल क्लॉट बनेगा, मतलब वो जमा हुआ पड़ा रहेगा जो कि ट्रांसपेरेंट लंप के रूप में दिखेगा आपको, या क्लॉट के रूप में दिखाई देगा, ठीक है, एक ही सिंगल बना हुआ रहेगा। टू मेक जेली इन दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट शुगर हैज टू बी एडेड इन इक्वल क्वांटिटी द जूस, एस इस प्रकार का जो एक्सट्रैक्ट होता है इसमें जो चीनी मिलाते हैं बिल्कुल सेम जितने एक्सट्रैक्ट है, जैसे 1 किलो एक्सट्रैक्ट ले रहे हो तो 1 किलो उसमें चीनी डलेगी, ठीक है, अगर रिच है तो उसके अंदर। इफ द एक्सट्रैक्ट कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ पैक्टिन, अगर उसमें मध्यम से प्रकार का पैक्टिन है एक्सट्रैक्ट के अंदर, द क्लॉट विल बी लेस फर्म एंड फ्रेगमेंटेड, इससे क्या होगा जो क्लॉट बनेगा एक समूह सा इकट्ठा सा रहेगा, वो इतना ज़्यादा हार्ड या कठोर नहीं रहेगा, अगर उसको हिलाएंगे तो वो टूटेगा भी और थोड़ा बिखरा हुआ सा बनेगा, थोड़ा बिखरा हुआ बनेगा। 3/4 क्वांटिटी ऑफ शुगर हैज़ टू बी एडेड, लगभग 3/4 भाग जो चीनी है वो उसके अंदर मिलाई जाएगी उस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से, 1 किलो के अंदर, ठीक है, 3/4। इफ़ द एक्सट्रैक्ट इज लो इन पैक्टिन, मैनी स्मॉल ग्रेनुअल क्लॉट्स विल अपियर, ओनली 1/2 द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज एडेड, अगर एक्सट्रैक्ट के अंदर कह लो कि उसमें पैक्टिन बहुत ही कम है, मान लो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने से क्लॉट्स के बनने स्टार्ट हो जाए, मतलब जो जूस डाला था आपने, एक्सट्रैक्ट डाला था, वो छोटे छोटे दानों में बिखर गया, तो मान लो कि उसमें बहुत ही कम पैक्टिन है और आपको जितना एक्सट्रैक्ट डाल रहे हो उसकी आधी चीनी डालनी है, 1 किलो एक्सट्रैक्ट ले रहे हो तो 1/2 किलो उसमें चीनी मिलानी है। अगर मीडियम टाइप का है जिसमें पूरी तरीके से वो बिखरता नहीं है, 1 क्लॉट भी नहीं बनता पर बिखरता भी नहीं है, तो आपको 3/4, मतलब 1 किलो चीनी, 1 किलो एक्सट्रैक्ट के अंदर 3/4, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपका पैक्टिन है, रिच है पैक्टिन के अंदर, एक सिंगल क्लॉट बन रहा है, तब आपको बराबर मात्रा में चीनी डालनी है, जितना आप एक्सट्रैक्ट ले रहे हो 1 किलो तो 1 किलो ही चीनी मिलानी है आपको। दूसरा टेस्ट होता है जेल मीटर टेस्ट, ठीक है, इसमें जेल मीटर जो है उससे इसको टेस्ट किया जाता है। जेल मीटर इज हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड विद द लंब थंब एंड फोर्थ फिंगर, द लोअर पार्ट ऑफ द जेल मीटर ट्यूब इज क्लोज विद द लिटल फिंगर, द फिल्टर्ड एक्सट्रैक्ट इज स्पून्ड विद द राइट हैंड इन टू द जेल मीटर अंटिल इट इज फुल टू द एज, वाइल होल्डिंग द जेल मीटर द लिटल फिंगर इज रिमूव फ्रॉम द लोअर हैंड एंड द एक्सट्रैक्ट इज अलाउड टू फ्लो और ड्रिप ऑफ फॉर एग्जैक्टली 1 मिनट, एट द एंड ऑफ विच क्लोज्ड अगेन विद द फिंगर, द लेवल रीचिंग इन द जेल मीटर इज नोटेड, शुगर इज एडेड टू द एक्सट्रैक्ट एज पर द रीडिंग। जो जेल मीटर होता है उस पर ना एक रीडिंग लिखी हुई रहती है, ये याद रखना, उस पर लिखी हुई रहती है, जैसे 1/2 या 3/4 ऐसे लिखी हुई रहती है, एक रीडिंग लिखी हुई रहती है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, उसको उंगली और एक अंगूठे के साथ पकड़ लेते हैं और उसके नीचे एक जो उसके नीचे क्योंकि होता है वो छेद होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपका मैं एक ब्यूरेट होती है, सेम कुछ वैसा सा होता है जेल मीटर, शायद चलो मैं कभी हुआ तो पिक्चर डालूंगा, तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे की साइड उंगली लगा रही जाती है, उसको बंद कर लिया जाता है नीचे से, और ऊपर से वो थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ रहता भाग, उसको फुल ऊपर तक एज किनारे तक भर लिया जाता है जूस उस एक्सट्रैक्ट से, पैक्टिन याद करने के लिए, पैक्टिन वाले रस से भर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि भरने के बाद उस नीचे वाली फिंगर को ओपन कर दिया जाता है, मतलब नीचे से वो एक्सट्रैक्ट बह जाए, उंगली हटा देते हैं, जो छोटी वाली उंगली रहती है, ठीक है, उसको हटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी एक्सट्रैक्ट है वो 1 मिनट तक बहता रहेगा, और जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाए एक्सट्रैक्ट नीचे फिर उंगली लगा लेते हैं, बंद कर देते हैं, फिर उसकी रीडिंग देखी जाती है कि कितना बह गया, और जिस पॉइंट तक वो बहता है, एक
के हिसाब से बहता है, एक से एक बटा दो के हिसाब से बहता है, तीन बटा चार के हिसाब से बहता है, तो उतनी उस एक्सट्रैक्ट, 1 किलो एक्सट्रैक्ट के अंदर उतनी चीनी मिलाई जाती है। बस आपको बस उस रीडिंग देखनी है, उसके हिसाब से उतनी 1 किलो के हिसाब से उसमें चीनी मिलानी है आपको, कि 1 किलो एक्सट्रैक्ट में इतनी चीनी मिलानी है, ठीक है। फिर है एडिंग शुगर, सॉरी एसिड एडिंग, एसिड एडिंग द जेली फॉर्मेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एसिड एंड पैक्टिन प्रेजेंट इन द फ्रूट। जेली फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है जो एक्सट्रैक्ट ले रहे हो उसमें कितने मात्रा में एसिड और कितनी मात्रा में उसमें पैक्टिन प्रेजेंट है फलों का, ठीक है, फलों का जो एक्सट्रैक्ट लेते हो उसमें। ऑफ द 3 एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स, सिट्रिक, मैलिक और टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स। 3 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं फलों के अंदर, पहला तो सिट्रिक होता है, दूसरा मैलिक होता है, एक टार्ट्रिक होता है। जो टार्ट्रिक एसिड है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है अगर अपने जेली बना रहे होते हैं तो, ठीक है। मैलिक किस में पाया जाता है तुम्हें पता होगा, फलों के अंदर, एप्पल, ठीक है। टार्ट्रिक पाया जाता है जैसे इमली, ठीक है। सिट्रिक होता है नींबू। तो द टोटल एसिड इन द फाइनल जेली शुड बी एट लीस्ट 0.5% बट नॉट मोर देन 1% बिकॉज द एसिड इज बिकॉज द एसिड इन एक्सेस कैन कॉज सिनरेसिस। जो फाइनल जेली है उसमें 0.5 से 1% के बीच में एसिड होना चाहिए, इससे ज़्यादा होता है तो इसमें सिनरेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पिघलनी स्टार्ट हो जाती है जेली, वीपिंग जेली बन जाती है। फिर है जेली पीएच, द स्ट्रेंथ ऑफ द जेली इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन पीएच अंटिल द रीचेज इट रीचेज द ऑप्टिमम। जब जेली की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो बढ़ती रहती है जैसे जैसे पीएच बढ़ता रहता है, और जब तक कि वो अधिकतम तक नहीं पहुंच जाता, जहाँ कह लो कि इष्टतम तक नहीं पहुंचता, जहाँ कह लो कि एक जितना चाहिए होता है ना तब तक नहीं पहुंचता, उसके बाद फिर कम होती है। द एडिशन ऑफ मोर एसिड बियॉन्ड दिस लेवल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द जेली। अगर और ज़्यादा एसिड मिलाया जाता है इस लेवल से तो वो जेली की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, जेली की जो मजबूती या ताकत होती है उसको कम कर देता है, मतलब वो उतनी ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगी। द पी एच ऑफ द जेली कैन बी कंट्रोल्ड आइदर बाई एडजस्टिंग द पी एच ऑफ द पैक्टिन एक्सट्रैक्ट बाय और बाय एडिंग ए एप्रोप्रिएट बफर। जो पी एच है जेली की उसे कंट्रोल किया जा सकता है कि उसमें जो पी एच एक्सट्रैक्ट का उसको एडजस्ट करके, कि पहले ही उसमें एसिड मिला दिया जाए या फिर कोई बफर मिला दिया जाए एक किसी प्रकार का, ठीक है। द फ्रूट्स आल्सो कंटेन साल्ट्स लाइक सोडियम सिट्रेट, सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। जो फल होते हैं उनके अंदर कुछ साल्ट पहले से भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है, वो भी पीएच को नियंत्रित करने के काम करते हैं। इफ़ द एसिडिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज हाई, अगर जो रस की एसिडिटी है वो हाई रहती है, द फिनिश्ड जेली विल स्टिफर। तो इससे क्या होगा कि जो लास्ट में जेली बनेगी बहुत ही ज़्यादा स्टिफर रहेगी, मतलब हार्ड रहेगी। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द पैक्टिन सॉल्यूशन इज बिटवीन 3.1 एंड 3.3 फॉर द बेस्ट जेली सेटिंग। द ऑप्टिमम पीएच है जेली का, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जेली का पीएच कितना होता है या कितना होना चाहिए, तो 3.1 से लेके 3.3 के बीच में होना चाहिए, तो ही जेली आपकी जो सेटिंग है जेली की, जो सेट होती है जेली, जमती है बहुत अच्छे तरीके से जमेगी, ठीक है। फिर है शुगर एडिंग, मतलब शुगर को ऐड करना। इट इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जेली दैट प्रोवाइड्स स्वीटनेस एज वेल एज द बॉडी। ये जेली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट या अंग या कह लो कि कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि मिठास भी पैदा करता है और उसका शरीर भी बनाता है। जेली बनाने का काम चीनी ही ज़्यादातर करती है, ठीक है, वही पैक्टिन को प्रेसिपिटेट करती है। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इज हाई, अगर चीनी की कंसंट्रेशन सांद्रता अधिक है, द जेली होल्ड्स लेस वाटर रिजल्टिंग इन द जेली बिकमिंग हार्ड प्रोबेबली ड्यू टू डिहाइड्रेशन। तो इससे क्या होगा, अगर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो जेली कम मात्रा में पानी होल्ड करेगी, अपने पास उसका पानी कम होगा, क्योंकि चीनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जेली है वो सूख जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। बॉइल विद एन एसिड टू इन्वर्ट शुगर
सुक्रोज, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू डेक्सट्रोज एंड फ्रुक्टोज। जब बॉयल करते हैं एसिड और शुगर को, ये इन्वर्ट हो जाती है, इन्वर्टेड शुगर में बदल जाती है सुक्रोज में, ठीक है। इट इज हाइड्रोलाइज इनटू डेक्सट्रोज एंड फ्रुक्टोज, और इसके अलावा वो हाइड्रोलाइज्ड भी हो जाती है डेक्सट्रोज और फ्रुक्टोज के अंदर भी। द अमाउंट ऑफ इन्वर्टेड शुगर डिपेंड्स ऑन द पीएच एंड ड्यूरेशन ऑफ बॉइलिंग। जो इन्वर्टेड शुगर है, ठीक है, ये डिपेंड करती है कि भाई कितनी मात्रा में इन्वर्ट होगी, जहाँ तो जो उसके पीएच है जेली का उसके ऊपर, जहाँ कितनी देर तक उस चीज़ को आप उबाल रहे हो, उस एक्सट्रैक्ट को उबाल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में चीनी इन्वर्ट होगी, ठीक है। ड्यू टू द पार्शियल इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, जेली कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्योंकि जो चीनी सुक्रोज है, इसका एक पार्शियल इन्वर्जन हो जाता है, इसका कह लो कि एक तरीके से इन्वर्टेड हो जाती है चीनी, जिसके कारण जो जेली होती है उसमें सुक्रोज का, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का मिश्रण पाया जाता है, मतलब वो इन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। दिस मिक्सचर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सुक्रोज अलोन। जो ये मिक्सचर होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, अगर अपने कहें कि सुक्रोज अकेले की तुलना में, सुक्रोज अगर अकेला यूज करते हैं उसकी तुलना में ये मिक्सचर तीनों का, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज का, ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। द जेली कैन होल्ड मोर शुगर इन द सॉल्यूशन विदाउट क्रिस्टलाइजेशन, जिससे क्या होता है कि जो शुगर है, जेली क्या कर सकती है कि ज्यादा मात्रा में चीनी को होल्ड कर सकती है सॉल्यूशन के अंदर बिना किसी क्रिस्टलाइजेशन के। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ज्यादा चीनी मिलाते हैं तो चीनी क्या करती है, हार्ड कर देती है, यानी कि एक तरीके का क्रिस्टलाइजेशन कर देती है। तो अगर अपने चीनी ज़्यादा मिलाना चाहते हैं तो इन्वर्टेड शुगर के रूप में मिलाएं, जहाँ इन तीनों का मिक्सचर हो, ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। शुगर इन जेली इज एडेड अकॉर्डिंग टू द पैक्टिन टेस्ट। जो शुगर जेली के अंदर मिलाई जाती है वो ज़्यादातर जो पैक्टिन टेस्ट होता है उसके हिसाब से मिलाई जाती है। भाई जितना पैक्टिन का टेस्ट, अपने अभी पहले पढ़ा था कि पैक्टिन का कैसे पता करें कि कितनी मात्रा में पैक्टिन है, उसमें कितना है, तो पैक्टिन के हिसाब से उसमें चीनी मिलाई जाती है। If pectin is high, then the equal amount of sugar is added, and if there is less pectin, sugar is added only in half the amount. अगर उसमें ज़्यादा pectin है तो बराबर मात्रा में, अगर pectin कम है तो उसकी आधी मात्रा में उसमें चीनी मिलाई जाती है। फिर है determination of end point, मतलब jelly उबाल ली, उसमें चीनी मिला दिया, एसिड मिला दिया, अब उस वो उबल रही है, अब उसको अपने पता करना है कि वो किस पर पक गई या नहीं पकी। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, पहला है ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, इसका जो पहला पता किया जाता है कि कैसे पके। ए ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड मास इज ड्रॉप इनटू ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है, एक जो बना हुआ आपका जेली है उसकी एक ड्रॉप को एक पानी से भरे हुए ग्लास में डाला जाता है। द मूवमेंट ऑफ द ड्रॉप टू द बॉटम विदाउट डिस्टिग्रेशन डिप्रेस्ड इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। जो जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा, अगर वो बिखर जाती है बूंद, ठीक है, तो गलत है कि भाई वो जमी नहीं, अभी और बॉयल करने की आवश्यकता है। अगर वो बिना किसी ऐसे बिखरे हुए सीधी सीधी अंदर नीचे चली जाती है, जम जाती है, जहाँ कह लो नीचे पेंदे में बैठ जाती है बिना टूटे हुए, तो आपकी जेली तैयार है। दूसरा है कोल्ड प्लेट टेस्ट। सेकेंड, ए ड्रॉप ऑफ बॉयल्ड लिक्विड इन द पैन इज टेकन and placed on a plate and allowed to cool quickly. If the jelly is ready, the mixture on the plate will shrink when pushed with a finger. क्या करते हैं कि जो उबलता उबलता आपका जेली लिक्विड है उसको एक पैन के अंदर ले लिया जाता है, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर ले लिया जाता है या कह लो, ठीक है, तो उसको ठंडा होने दिया जाता है, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद उसमें क्या करते हैं कि मान लो कि अगर वो तैयार है आपकी रेडी जेली सॉरी आपकी जेली अगर तैयार है, तो उसमें अगर आपने फिंगर लगाएंगे जहाँ उसको दबाने की कोशिश करेंगे जेली, तो वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, मतलब इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे नहीं कि आपका उंगली उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, अंदर नहीं घुसेगी, वो श्रिंक हो जाएगी, दब जाएगी वहाँ से। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट वाइल द ड्रॉप इज कूलिंग ऑन द प्लेट द जेली मिक्सचर कंटिन्यू टू बॉयल इन द पैन एंड रिस्क ओवर कुकिंग द प्रोडक्ट और लूजिंग द करेक्ट सेटिंग पॉइंट। इसकी एक ड्रॉबैक भी है, एक इसकी कमी भी है इस मेथड की, भाई कोल्ड प्लेट टेस्ट यूज करते हैं तो इससे तो क्या करते हैं कि जैसे अपने एक बूंद लेते हैं उसको ठंडा करते हैं,
तब तक अपना उबलने वाला काम तो जारी ही रहता है ना भाई। अपने उसको ऐसा थोड़ी कि उसको चूल्हे से उतार के फिर उसमें से एक स्पून लेंगे फिर उसको एक प्लेट में ठंडा करेंगे, नहीं, वो चलती रहती है। एक उसके ऊपर गैस के ऊपर रखा हुआ रहता है भिगोना आपका, जब जो भी पैन है ठीक है, कंटिन्यू उबलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ओवर कुकिंग हो जाती है कई बार। जब तक वो ठंडा होगा अपने को पता चलेगा कि ये अभी जम गया है या नहीं जमा, तब तक चेक करेंगे तो ओवर कुकिंग हो जाती है। और इससे क्या होता है कि जो उसका करेक्ट सेटिंग का पॉइंट होता है भाई, इतने टाइम पे वो जम जाती है, उसके ज़्यादा उबालना भी खराब करता है उसको, ठीक है, तो वो पॉइंट निकल जाता है, वो स्किप हो जाता है जब अपने उसको उतारना था कि भाई ये रेडी है। तीसरा है शीट और फ्लैग टेस्ट, जैसे अपने जैम के अंदर पड़ा था सेम यही है। दिस टेस्ट इज मोर रिलायबल देन द प्लेट टेस्ट, ये जो प्लेट टेस्ट है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ये कह लो कि रिलायबल होता है, सही रहता है। वाइल बॉइलिंग द जेली टेकन आउट ए लिटल जेली इन ए स्पून और वुडन स्पेचुला एंड कूल इट डाउन ए बिट, उसको ये कह लो कि जो उबलती उबलती जेली है उसको एक स्पून और वुडन स्पेचुला के अंदर ले लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है, फिर उसे कह लो कि हल्का सा ठंडा करने के बाद आफ्टर दैट इट इज़ ड्रॉप, उसके बाद उसको टपकाया जाता है, ठीक है। इफ़ द प्रोडक्ट फॉल्स लाइक ए शीट और फ्लैक्स, अगर जो आपका प्रोडक्ट है मतलब उसको ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे गिराओगे, तो अगर एक शीट के रूप में जहाँ एक कह लो कि चद्दर के रूप में नीचे गिरता है, इट मीन्स दैट द एंड पॉइंट इज रीचेज एंड द प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड रेडी, कि ये माना जाता है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका है उसका, मतलब वो तैयार हो चुकी है और इसे रेडी माना जाता है। और इफ इट फेल्स दैट एज ए कंटिन्यूस स्ट्रीम और सिरप इट विल नीड टू बी फर्दर कुकिंग, अगर ये इसमें स्ट्रीम के रूप में और सिरप के रूप में बहता है, ठीक है, मतलब जैसे कह लो कि एक एक करके बूंद बूंद गिर रहा है, या फिर जैसे चाशनी हो वैसे गिर रहा है, तो इसको आगे पकाने की आवश्यकता होती है, ठीक। फिर है टेम्परेचर टेस्ट, भाई उसके अंदर जैसे जैम के अंदर अपने किया था सेम, ए सल्यूशन कंटेनिंग 65% TSS बॉयल्स एट 105 डिग्री सेल्सियस, मतलब 105 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग द जेली टू दिस टेम्परेचर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉलिड्स टू 65%। दिस इज द इजिएस्ट वे टू फिगर आउट द एंड पॉइंट, जैसे ही सॉल्यूशन की जो TSS है ठीक है, सांद्रता है, जहाँ कह लो कि उसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, वो 65% तक हो जाते हैं, तो उनका तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अंदर का, ठीक है। इसको आप सिंपली एक थर्मामीटर, जो जेली थर्मामीटर आता है, उससे आप नोट कर सकते हो कि भाई अगर 105 डिग्री हो गया तो इसको मान लो कि आपकी जेली पक गई है, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका होता है एंड पॉइंट को जज करने का कि जेली पकी है या कच्ची है। प्रॉब्लम्स इन जेली, जेली के अंदर समस्याएं, भाई समस्या क्या क्या होती है जेली के अंदर। पहला है फेलियर ऑफ जेलीज टू सेट, भाई जेली सेट होने में फेल हो जाती है, मतलब जमती नहीं है जेली, वैसे ही लिक्विड की तरह पड़ी रहती है। कारण सम टाइम जेली डज नॉट सेट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, इन कारणों से वो नहीं होती। पहला तो एसिड और पैक्टिन डेफिशिएंसी, एसिड की या फिर पैक्टिन की कमी के कारण पहला कारण ये होता है। द जेली में फेल टू सेट ड्यू टू ए लैक ऑफ एसिड और पैक्टिन इन द फ्रूट फ्रॉम विच इज इट इज मेड, जिस फल से ये बना हुआ एक्सट्रैक्ट है उसमें पैक्टिन या एसिड की कमी से क्या होता है कि ये कभी कभी क्या होता है कि जमती नहीं, फेल हो जाती है जमने के अंदर, जमता नहीं जेली, उबालते रहो भले कितनी देरी। इट मे आल्सो फेल टू सेट ड्यू टू इनसफिशियंट कुकिंग ऑफ द फ्रूट टू ऑब्टेन पैक्टिन रिजल्टिंग इन इनसफिशियंट एक्सट्रैक्शन ऑफ पैक्टिन और एसिड। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कभी कभी क्या करते हो कि जब एक्सट्रैक्ट निकालते हो उससे पहले अपने क्या करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं फिर उबालते हैं, जो वो उबालना है 20 से 30 मिनट तक वो आपने कम उबाला है और जो रस है उसके अंदर पैक्टिन है और एसिड है वो ढंग से उस पानी के अंदर जहाँ कह लो जिसमें आपने बॉयल किया है उसके अंदर निकला नहीं है, डिजोल्व नहीं हुआ है, फिर आपने उसको छान लिया, उसमें कम एसिड और पैक्टिन है क्योंकि आपने उसको अच्छे तरीके से उबाला नहीं था, तो उसके कारण भी कई बार ऐसा होता है। फिर है एडिंग टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी मिला देना, इसके कारण भी इसमें प्रॉब्लम आती है।
इफ शुगर इज एडेड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी मतलब अपने को चाहिए जैली, मतलब अपने पेक्टिन टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से, उससे ज़्यादा अगर चीनी मिला देते हैं तो उसके कारण भी जैली सेट नहीं होती। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिरप और एक्सट्रीमली सॉफ्ट जैली। इससे क्या होता है कि या तो आपकी जो जैली है वो सिरप की तरह बन जाएगी जैसे कोई चाशनी हो, या फिर बहुत ही सॉफ्ट जैली बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी, ठीक है। दिस कैन बी कोरेक्टेड बाय एडिंग फ्रेश क्लियर जूस रिच इन पैक्टिन। इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें और ज़्यादा मात्रा में जहाँ और जूस मिलाना पड़ेगा जिसमें पैक्टिन हो, पैक्टिन वाला जूस और मिला दो तो ये समस्या आपकी करेक्ट हो जाएगी अगर आपने चीनी ज़्यादा मिला दिया है। कुकिंग बिलो द एंड पॉइंट, अगर आप एंड पॉइंट है उससे कम पकाते हैं तो जैली तब भी सेट नहीं होती, मतलब कच्चा पड़ा हुआ है प्रोडक्ट फिर जमेगी थोड़ी। इफ कुकिंग इज स्टॉप्ड बिफोर शुगर कंसंट्रेशन रीचेस 65%, जब तक कि जो शुगर की कंसंट्रेशन है या TSS है वो 65% तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही आपने कुकिंग बंद कर दी तो भी होता है। द जैली में फेल टू सेट एंड रिमेन सिरपी और ओवरली सॉफ्ट। इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो जैली है वो सॉफ्ट रहेगी, सिरपी जैसी रहेगी या फिर सॉफ्ट रह जाएगी अगर आपको उसको कम पकाते हो, जितना एंड पॉइंट आपने बिना जज किए ही उतार दी तो वो जमेगी नहीं। फिर ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग के कारण भी कई बार जैली सेट नहीं होती। इफ कुकिंग इज कंटिन्यूड बियॉन्ड द एंड पॉइंट, अगर अपने उसकी जैली को जो जमाव बिंदु जहाँ अंत बिंदु होता है उससे ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो भी जमती नहीं है, तो जैली हार्डन्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, जैली कठोर हो जाती है ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण। दिस अकर व्हेन बोथ एसिड एंड पैक्टिन आर अबाउंडेंट इन द जूस एंड नॉट इन शुगर इज एडेड। ये क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो एसिड और पैक्टिन है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में है पर शुगर उसमें कम मात्रा में है, ठीक है। इफ द एसिड इज हाई द पैक्टिन ब्रेक डाउन एंड फॉर्म्स ए सिरप लाइक जेली, अगर उसमें एसिड ज्यादा मात्रा में है तो वो पैक्टिन को तोड़ देता है, ज्यादा एसिड पैक्टिन को तोड़ देता है और जेली जो होती है वो चाशनी जैसी दिखाई देती है, ठीक है। एसिड भी ज्यादा मात्रा में एसिड भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब। फिर है सेकेंड जो इसमें समस्या आती है, पहला तो सेट जैली सेट नहीं हुई, दूसरा है सिनेसिस और वीपिंग ऑफ जैली, मतलब जैली रोने वाली जैली कह लो, जैली पिघलती है जैसे, मतलब पड़ी पड़ी पिघलना स्टार्ट हो जाती है ऐसी। द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनस रिलीजिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड सिनेसिस और वीपिंग ऑफ जेली। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स या फॉलोइंग कॉजेज। जो एक फिनोमिना है कि भाई एकदम से अचानक से जो आपका जेल है बनी हुई जमी हुई वो पिघलना स्टार्ट हो जाए, फ्लूइड के रूप में उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, इसे वीपिंग जेली या सिनेसिस कहते हैं। कारण क्या है, पहला तो एक्सेस एसिड, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड होना। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस एसिड द स्ट्रक्चर ऑफ जैली ब्रेक्स डाउन ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस और डिकम्पोजिशन ऑफ पैक्टिन। अगर एसिड ज़्यादा डाल दिया तो जैली की जो स्ट्रक्चर होती है जहाँ जो पैक्टिन होता है वो टूट जाता है, जहाँ उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और जहाँ फिर कह लो कि डिकम्पोज हो जाता है पैक्टिन, ठीक है, इसके कारण होता है। दूसरा है वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और सोल्यूबल सॉलिड्स, अगर उसमें शुगर या फिर सोल्यूबल सॉलिड्स कम मात्रा में है तो इसके कारण भी सिनेसिस होता है। द अलाउइंग दिस अलाउइंग द पैक्टिन नेटवर्क टू होल्ड मोर फ्लूडिटी देन वुड बी पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये क्या करता है कि अगर चीनी कंसंट्रेशन कम डाली हुई है तो नेटवर्क जो पैक्टिन होता है वो ज़्यादा मात्रा में पानी को धारण करके रखता है, क्योंकि वो हाइड्रेट नहीं कर पाती, पानी को रोक नहीं पाती, ठीक है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में करना चाहिए था, इसके कारण भी आपकी वीपिंग जेली बन जाती है। फिर इनसफिशिएंट पैक्टिन, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ पैक्टिन दैट इज नॉट सफिशिएंटली डेंस एंड हार्ड टू होल्ड शुगर सिरप। अगर अपने उसमें पैक्टिन कम मात्रा में है तो उसके कारण क्या होता है कि जो जेली बनती है उसमें जो नेटवर्क जहाँ समूह बनते हैं, ठीक है, फाइबर्स के जहाँ, ठीक है, वो कह लो कि इतने ज़्यादा घने और कठोर नहीं बनते कि जो शुगर का सिरप है उसको वो होल्ड कर सकें, उसको वो पकड़ के रख सकें। इसलिए भी क्या होता है कि इसके लिए आपको सफिशिएंट मात्रा में पैक्टिन की ज़रूरत होती है कि भी रस में सफिशिएंट मात्रा में पैक्टिन हो। तो फिर है इसके अलावा प्री मैच्योर जेलेटेशन, यानी कि जेलेटेशन अकर्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ पैक्टिन ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ जेली इन टू कंटेनर्स। द जेली वीकन्स एंड ब्रेक्स,
प्री मैच्योर जेलिटेशन होता है, कई बार क्या होता है कि अपने जो पैक्टिन होता है, सॉरी जेली होती है, उसको अपने जल्दी जल्दी ठंड जमने नहीं दिया उससे पहले ही उसको अपने बीकर के अंदर, सॉरी कंटेनर के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जेली टूट जाती है। इससे कारण भी वो जेली आपकी कमज़ोर हो जाएगी और टूट जाएगी। ठीक है, जेली तो एक कठोर होती है, अब उसको एकदम से आपने जैसे ही बनी उसको उठाया और सीधा उसको गर्म गर्म को उसमें डाल दिया, तो जिसके कारण अगर ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई से डालते हैं तो उसके कारण वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसके अलावा फर्मेंटेड जेलीज, फर्मेंटेशन यूजली अकर्स इन जेलीज दैट हैव सिनेसिस। फर्मेंटेशन उस प्रकार उस टाइम होता है जेली के अंदर जब उसमें सिनेसिस होता है, उस टाइम उसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शुगर का फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, किण्वन होना स्टार्ट हो जाता है, कहने का मतलब। फिर है क्लाउडी और फोगी जेली। क्लाउडी और फोगी से समझ ही गए होंगे, क्लाउडी मतलब एक बार अपने तो जेली जो होती है उसकी मेन खासियत होती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसे बादल जैसे कह लो, एक वाइट वाइट कलर का, या फिर उसमें कुछ फोग जैसा दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनती। तो कारण क्या है, दिस में बी ड्यू टू द यूज़ ऑफ नॉन क्लियर एक्सट्रैक्ट। पहला तो कि भाई उसमें अगर आपने जो एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है वो नॉन क्लियर है, या क्लियर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल छना हुआ एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसके कारण हो सकता है। यूज़ ऑफ इमेच्योर फ्रूट्स, इमेच्योर फ्रूट्स कंटेन स्टार्च विच इज़ इन सोल्यूबल इन जूस। जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं, कच्चे फल होते हैं, इमेच्योर फ्रूट्स, ठीक है, जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं उनको यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, वो कि जो जूस के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, मतलब जूस के अंदर घुलते नहीं है। ठीक है, कच्चे फलों के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा ओवर कुकिंग, बहुत ज़्यादा पकाने के कारण भी कई बार फोगी हो जाती है, और कूलिंग के कारण भी, ठंडा करते हैं एकदम से, तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा नॉन रिमूवल ऑफ स्कम, जो उसके ऊपर झाग होती है उसको नहीं हटाते। लास्ट में अपने मैंने बताया था कि 45 किलो चीनी मिलाते हैं तो उसमें 1 ग्राम एडिबल ऑयल मिला के उसकी झाग को हटा दिया जाता है। ठीक है, चीनी की जो झाग होती है उसको हटा देते हैं जिससे कि आपकी जेली बिल्कुल क्लियर रहे। इसके अलावा डिफेक्टिव पोरिंग, व्हेन द जेली इज पोर्ड फ्रॉम ए ग्रेट हाइट द एयर इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द जेली बिकम ओपेक। इसके अलावा क्या करते हैं कि जब अपने उसको बर्तन में डालते हैं तो जेली को बहुत ही ऊंचाई से डालें तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, जो कि जेली को अपारदर्शी बना देते हैं। एंड प्री मैच्योर जिलेटेशन आल्सो कॉज ए क्लाउडी और फोगी जेली। मैच्योर होने से पहले ही, मतलब उसको पकाने से पहले ही अगर उसका जिलेटेशन हो जाए, इसके कारण भी क्लाउडी और फोगी जेली बन जाती है, ये भी एक कारण है। फिर अब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल का बनना, द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शुगर टू जेली कैन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ज़्यादा मात्रा में चीनी मिला देना, भाई जितनी उसकी आवश्यकता उससे पैक्टिन टेस्ट ज़्यादा मिला दें, तो ये जेली के अंदर क्रिस्टल बना देती है, जिसके कारण आपकी जेली क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है जेली का। ठीक है, थैंक यू।